पलवल पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर लिपिक एसोसिएशन की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। इस दौरान हड़ताल पर बैठे लिपिक कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। लघु सचिवालय के समीप स्थित शिव मंदिर पर क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सैकड़ों लिपिकों ने पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी रख रखा है। एसोसिएशन के नेताओं की माने तो लिपिक कर्मचारियों ने अपना मूल वेतन 19,900 रुपये से बढ़ाकर 35,400 रुपये करवाने के लिए अब कमर कस ली है। हड़ताल की वजह से ज़िले की आम जनता को होने वाली परेशानियों के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि ये हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रही है क्योंकि आज सबसे ज़्यादा काम लिपिकों से लिया जा रहा है। पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर आज लिपिक पलवल के लघु सचिवालय में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पलवल विधायक दीपक मंगला से भी मिले, जिन्होंने उनकी मांगों को जायज़ बताते हुए ये आश्वासन दिया है कि आगामी मंगलवार को सभी विधायक दल की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक है, जिसमें लिपिकों की इस मांग को मुख्यमंत्री के सामने भी रखा जाएगा और उसे पूरा करवाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह चौहान। प्रकाश सिंह जी, कौन सा दिन है आज लिपिकों का? 14वां दिन है आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल को। क्या कुछ मांगे हैं आज? हमारी एक ही मांग है 35,400, दूसरी हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार से एक ही मांग रहे हैं कि हमें 35,400 मांग नहीं, हमारा हक है ये, क्योंकि हम पीछे से पहले से 1957 से जो हमारी यहाँ टेबल लगी हुई है, आप इस पर देख सकते हो, हम बहुत पहले से हमारा शोषण किया जा रहा है और आज हमारे सभी लिपिक साथी एक पंडाल में एक छत के नीचे बैठे हैं और जब तक हमें 35,400 सरकार तब तक हम यहाँ से पंडाल नहीं छोड़ेंगे और हमारी एक ही हक हमारी एक ही मांग है। हम अपना हक मांग रहे हैं, मांग नहीं, और जो हम काम करते हैं हमारे काम के हिसाब से जो हमें 35,400 चाहिए। 14वां दिन है आज। हम परिवहन मंत्री जी से हमारे साथी मिले थे, वो ये कह के गए हैं कि आपके मंगलवार तक, जो अगला मंगल, ये आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक हम आपके जो विधानसभा में मीटेंगे, आपको हम आश्वासन देते हैं कि जब तक हम आपके इस 35,400 के मुद्दे को वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और इसको आपको सकारात्मक जवाब आ जाएगा। अगर हमारी मंगलवार तक मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम अपने अनिश्चितकालीन धरने को लगातार चलाते रहेंगे। लिपिकों के हड़ताल पे जाने के कारण ना रजिस्ट्रियां हो रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना तहसील में काम हो रहा है, ना DC ऑफिस कार्यालय में काम हो रहा है, कोई ना ट्रेजरी में काम हो रहा है, तो लोगों को परेशानियां हो रही हैं और हम चाहते हैं कि सरकार समय रहते हुए हमारे 35,400 के हक को दे, जिससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो। हमें यहाँ शौक नहीं है बैठने के लिए, हम आम जनता के बीच में रहते हैं, उनका काम करते हैं, लेकिन सरकार हमारी 35,400 की मांग को, हम 5 जुलाई 2023 से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार हमारी सुन रही है, अगर सरकार हमारे समय रहते इसको दे देती है तो हम अपने कामों पर तुरंत लौट जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकचंद है, मैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और हमारी एक ही मांग है 35,400 की, जो 2014 से मतलब कैबिनेट में पास है, लेकिन सरकार ने उसको होल्ड रखा है। BJP सरकार ने मतलब अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि जब भी हमारी ये सरकार आएगी तो हम जभी से ही 35,400 का स्केल देंगे, लेकिन सरकार ने क्लर्कों के साथ कुटाराघात किया है। हम ये आशा करते हैं कि तुरंत हमारी मांग को मतलब लागू करें ताकि हड़ताल समाप्त हो। हमें कोई शौक नहीं है टेंट में बैठने का, इसलिए हम यही कहेंगे कि तुरंत हमारी मांग को लागू करें। परिवहन मंत्री के आश्वासन से कितने संतुष्ट? हमारे साथी वहां गए थे, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है, परिवहन मंत्री ने, दीपक मंगला जी ने, नायर जी ने और प्रवीण डागर जी ने, कि भाई मंगलवार को हम आपकी मांग को विधानसभा की जो मीटिंग होगी उसमें हम रखेंगे और ये हम लागू कराएंगे। क्या लगता है अगर मंगलवार तक आपकी नहीं मानी जाती है? नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन बैठे हुए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मतलब हड़ताल वो करा रही है, आम पब्लिक परेशान वो करा रही है। किस तरह की परेशानी लोगों को आ रही है लिपिकों के हड़ताल के कारण? भाई सभी बच्चों के कोई डोमिसाइल है, कोई कुछ है, वो रजिस्ट्रियां है, RC है, MLC है, वो सारे के सारे रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। सरकार को राजस्व का घाटा भी हो रहा है इससे और लोगों को परेशानियां हो रही हैं।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।